मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक की, जिसका नाम है पैकिंग फ्रैक्शन, या फिर इसे कहा जाता है पैकिंग एफिशिएंसी, या फिर इसका एक और नाम है पैकिंग फैक्टर। तो शुरुआत करते हैं इसके डेफिनेशन से। पैकिंग फ्रैक्शन इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर इन द यूनिट सेल डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई पी, इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू वही जो हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर इन द यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर इन द यूनिट सेल, तो और डिवाइडेड बाई क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो हमारा जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा स्फीयर से एक यूनिट सेल में, हमारे पास अगर मान लीजिए एक यूनिट सेल ये दी है, तो इसमें लैटिस पॉइंट जो होता था हम तक अभी तक उसको एक पॉइंट कंसीडर करते हुए आ रहे थे, जैसे कि एक पॉइंट, लेकिन अभी हमें यहाँ पर लैटिस पॉइंट को स्फीयर कंसीडर करना है। तो मैंने स्फीयर यहाँ पर ड्रा कर दिए हैं कुछ, ये सिंपल एसीसी के लिए है, सिंपल क्यूबिक के लिए, जैसे पैर सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस कॉर्नर पर ये, इस कॉर्नर पर इसको ड्रा कराओगे ये हो जाएगा, और इस कॉर्नर पर ये वाला, और इस कॉर्नर पर ये वाला, इस कॉर्नर पर ये वाला, और इसी तरह हर कॉर्नर पर हो जाएंगे। इसको मैं इस वीडियो में आगे सिखाऊंगा कैसे ड्रा करते हैं, लेकिन अभी तो मैं यहाँ बता दिया है समझाने के लिए सिर्फ कि लैटिस पॉइंट जो होगा वो हमारा स्फीयर होगा। स्फीयर जैसे कि हमारी गेंद होती है वो होगा, ना कि कोई चूड़ी, चूड़ी तो हमारी सर्किल हो जाएगी, रिंग हो जाएगी, और गेंद होगी वो हमारी स्फीयर की तरह होगी। तो इसके अंदर कुछ वॉल्यूम होगा, तो हमारी जो क्यूब की साइड है ये ए, और ये बी, और ये जो भी है इसमें जो भी साइड है सब सेम है, सबको मैंने ए ले लिया है। तो इसमें टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तब इसमें थ्री कोऑर्डिनेट हैं, ये मान लीजिए वाई, ये वाली एक्स, और ये वाली जेड, और तीनों है ए ए ए, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए ए ए, ए क्यूब हो जाएगा इसका टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ए क्यूब। अब बात आती है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई स्फीयर। स्फीयर यहाँ पर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, तो ये जितना स्फीयर का पार्ट जितना अंदर है इस यूनिट सेल में, यहाँ से लेके ये पार्ट जो यहाँ से लेके ये पार्ट जितना इसके अंदर है वही इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, बाकी इसके बाहर ये जो वाला है ये पहला पार्ट, ये किसी और यूनिट सेल का पार्ट होगा, जो हमारी लैटिस बनी होगी वो किसी और यूनिट सेल का पार्ट होगा। इसी तरह से ये वाला भी, इसके बाहर वाला जो जो भी हमारे पास होगा, जैसे कि ये हमारा जो है, अगर इसको हम यहाँ से मिटा दें, तो हमारे पास इस स्फीयर की जो यहाँ से स्फीयर थी इसकी वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई हो रही है बस इतनी ही हो रही है, और इसके इधर वाला जो है वो किसी और यूनिट सेल का पार्ट है। तो यहाँ पर हमारे हमारा एक स्फीयर के लिए हमारी वॉल्यूम कितनी होती है, ये हमारे लिए फार्मूला होता है जिसको हम 9th-10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, ट्रिग्नोमेट्री या फिर मैथ्स में पढ़ते थे किसी का भी, तो उसके लिए फार्मूला होता था, ये स्फीयर की वॉल्यूम होती थी 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा एक स्फीयर के लिए। तो यहाँ पर वॉल्यूम आपको पाई हो रहा है 4/3 पाई आर क्यूब, और इस फार्मूले में इंटू 100 भी होता है, और ये परसेंटेज में होता है इंटू 100। ये हो जाएगा हमारा एक स्फीयर के, एक स्फीयर के लिए, लेकिन इसमें एक स्फीयर है नहीं, क्योंकि एक स्फीयर ये अंदर वाला ये हो जाएगा, और इसी तरह से एक अंदर ये हो जाएगा, और इसमें कितने स्फीयर हैं इसको करने के लिए यहाँ पर हमें कितने स्फीयर हैं, जैसे कि हमारे पास जितने स्फीयर होंगे हमें यहाँ पर उससे मल्टीप्लाई करना होगा। इसको हम नाम देते हैं जेड, जेड की वैल्यू मैं पहले निकालना बता चुका हूँ पार्ट थर्ड में, जैसे कि मैंने उसमें बताया था जेड की वैल्यू, जैसे कि इसके लिए फार्मूला था n3t करके था, n3t इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसका फार्मूला, इसको मैंने n3t करके बताया था, n3t के लिए फार्मूला होता था, ये जेड इज इक्वल टू होता है n3t इज इक्वल टू होता है n इंटीरियर प्लस n फेस अपॉन 2 n कॉर्नर अपॉन 2, ये 2 जो डिवाइड होता है ना वो इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप पार्ट थर्ड देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास कितना स्फीयर होगा हम इस जेड से कैलकुलेट कर लेंगे,
जेड को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा इसमें कितना स्फीयर है वो हमारा निकल कर आ जाएगा। तो इसको हम आगे करते हैं, जैसे कि एस सी सी में, बी सी सी में, एस सी सी में, इसी को, इसी तीनों को हमें करना है आगे, उसी तीनों के पाई की फ्रैक्शन निकालनी है। तो इसी फार्मूले की जरूरत, आगे जो हम यूज़ करेंगे फार्मूला वो डायरेक्टली यही वाला करेंगे। तो अब बात करते हैं एस सी सी की। सबसे पहले एस सी सी देखते हैं, हमारा एस सी सी देखते हैं। तो सबसे पहले अभी तक हम एस सी सी कैसे ड्रा करते हुए आ रहे हैं, एक क्यूब ड्रा करेंगे। एस सी सी में लाइटिस पॉइंट कहाँ कहाँ परसेंट होते हैं, सभी कॉर्नर पर परसेंट होते हैं और उसके एग्जैक्टली सेंटर में परसेंट होते हैं, तो मैंने यहाँ पर ड्रा कर दिया। लेकिन अब हमें लाइटिस पॉइंट को स्पीयर में स्पीयर बना के देखना है। ये जो हमारा लाइटेस्ट पॉइंट है उसको हम स्फीयर की तरह बनाएंगे, ताकि हमारा कहाँ कहाँ है लाइटेस्ट पॉइंट, इस कॉर्नर पर है और एक फेस पर है। पहले फेस वाला बना ले, पहले कॉर्नर पर बना, ये हो गया कॉर्नर वाला, ये इस कॉर्नर का, ये इस कॉर्नर का, और इस कॉर्नर का, ये बीच में यहाँ पर एक इसके फेस पर ऐसे, अब यहाँ पर एक फेस पर होगा इसके, यहाँ पर होगा एक कॉर्नर, यहाँ पर होगा इस कॉर्नर से, एक यहाँ पर होगा, एक हमारा कॉर्नर ये यहाँ पर होगा। अब हमारा सब फेस पर बना दो, यहाँ पर एक फेस है, एक फेस पर हमारा यहाँ पर होगा, एक फेस पर यहाँ पर होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से होंगे कि सभी बॉल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। यहाँ पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, जैसे कि पहला ये बना थोड़ा सा सही है बना, बाकी सब उसी में उलझ जा रहे हैं। इसको मैं अगर अलग करके सिर्फ एक बनाऊं जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हमारा पहले अभी तक हम उसको उस तरह से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं उस तरह से, फिर अभी हमारा जो हमारा एग्जैक्टली जो होता है एक्चुअल में जो हमारा एफ सी सी का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है, जो कि लैटिस पॉइंट हमारी स्फीयर होती है, वो ये जो इसका बाहर वाला पार्ट आ रहा है ना, क्योंकि वो किसी और यूनिट सेल का पार्ट है, जो पूरी पूरी लाइटिस ड्रा होती है तो ये किसी और यूनिट सेल में ऐसे मिले होते हैं, ये उसके कंट्रीब्यूशन में जाता है। तो यहाँ से यहाँ का जो पार्ट है उसको हम कट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, मैं यहाँ पर एक इमेज दिखाऊंगा उसको देखिएगा, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक ड्रा करते हैं, इस कॉर्नर को लेते हैं, यहाँ से एक स्फीयर ड्रा करते हैं, एक यहाँ पर ड्रा करते हैं और एक इस फेस के सेंटर में ड्रा करते हैं, और इस फेस से हमारा एक अगर बॉडी फेस डायगोनल अगर ड्रा करें यहाँ से यहाँ तक कुछ इस तरह से। मैंने सिर्फ इसे एक फेस पर दिखाया, बाकी पे नहीं दिखाया, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक इसको अलग कर लूँ, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस तरह से है। ये सभी हमारे स्फीयर हैं, ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, और इस क्यूब में सबकी एजेस बराबर है, इसकी ए है, इसकी ए सब ए है, और यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल मिल रहा है ए, और यहाँ पर ये पॉइंट बी, और यहाँ पर ये वाला सी, ये ट्रायंगल हमारा ये, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी अभी, तो हमारी इसकी भी डिस्टेंस ये क्यूब की एज है, ये भी ए हो जाएगी और ये भी एज है, ये भी ए हो जाएगी, लेकिन ये एज नहीं है, ये फेस डायगोनल है, ये बी सी जो है वो फेस डायगोनल है, ये ए नहीं होगी। इसको अभी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा वो भी पता चलेगा। तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम स्फीयर की इतनी बात करें तो ये क्या होती है, रेडियस, रेडियस है त्रिज्या, हम इसको कंसीडर करते हैं आर से। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी आर, अगर हम इतनी डिस्टेंस की बात करें तो ये होती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की, तो ये टोटल होती है स्मॉल डी, जिसे कहते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, और ये हमारी क्या है, फेस डायगोनल है ना। और हमारा D इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, R R R R पूरा एक रिलेशन हमें ये मिलेगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। और हमारा A है ये, अब हमें A को कैलकुलेट करना है, तो हमें यहाँ पर पाइकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, लेकिन हम A को क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि पाइकिंग फ्रैक्शन का जो फार्मूला था क्या था, P इज इक्वल टू Z इंटू स्पीयर की जो वैल्यू इंटू 100
अपॉन ए क्यूब था। ए क्यूब यानी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल थी उसको हम कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें ये फेस डायगोनल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो बस सबसे पहले हम फेस डायगोनल को कैलकुलेट करते हैं, ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी को लेते हैं। तो ए बी सी में क्या है, इसमें हम अगर मैं इस ये एंगल होता हमारा 90, अगर इस ट्राइंगल को अगर बाहर निकाल कर बनाएं कुछ इस तरह से आप ऐसे, ये सीधा और ये ऐसा, ये वाला हो जाएगा हमारा 90। ये एज टू एज जो होती है वो हमारी 90 होती है और ये फाइव फेस डायगोनल की है, ए ये बी ये सी। तो ये वाली हमारी हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में 9th या 10th में। तो ये हमारा होता है कर्ण। अगर आप इसको राइट एंगल की तरह बनाएं कुछ इस तरह से, ये ए बी वाला जो है ये ए और ये बी वाला पार्ट हमें ऐसे ड्रा करें और इसको उठा कर इसे ऊपर की तरफ पुश करें, इसको उठाकर ऊपर की तरफ ले जाएं, तो ये वाली लाइन जो है वो ये वाली हो जाएगी और ये वाली जो है इधर से आके इससे ऐसे मिलेगी। तो ये हमारा इधर से ये 90 हो जाएगा, इसको हम कहते हैं कर्ण। सबसे बड़ी डिस्टेंस को इसके सामने वाले की लंब और ये होती है हमारी आधार। तो इसके लिए फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फार्मूला है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। नहीं तो इसमें हमारी कर्ण क्या है, कर्ण हमारी बी सी। तो इधर हमारी कर्ण क्या है, बी सी। बी सी इक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है, तो बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, लंब हमारी है ए सी का होल स्क्वायर। ए सी कहाँ है, ए सी इसकी वैल्यू कितनी है ए, तो ए का स्क्वायर प्लस ये आधार ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है ए, ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया टू ए स्क्वायर, ये हो गया बी सी का होल स्क्वायर। जब ये स्क्वायर आप यहाँ पर हटाएंगे तो ये बी सी इक्वल टू अगर निकालेंगे तो इसके ऊपर रूट लगेगा, ये हो जाएगा रूट टू और ये हो जाएगा अंडर रूट टू ए स्क्वायर, लेकिन ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा रूट टू इंटू ए। ये हो गया हमारी बी सी की वैल्यू, जिसको आपको याद रखना है, ये आगे हमें काम आएगी। बी सी इक्वल टू रूट टू ए, ये हो जाएगा हमारा फेस डायगोनल, ये हमारा फेस डायगोनल यहाँ से यहाँ तक निकल गया। ये बी सी, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक की ली थी ये वाली डिस्टेंस, ये बी और ये सी, ये थी बी सी। तो यहाँ से बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से बी सी इज इक्वल टू आर 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 आर, यही भी हो जाएगा, यही हो जाएगा बी सी के इक्वल टू, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 4R। तो इस हम बी सी इज इक्वल टू 4R को यहाँ पर रखते हैं, बी सी यहाँ पर 4R, ये हो जाएगा 4R इज इक्वल टू रूट रूट टू इंटू ए। तो हमें निकालना क्या था, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू निकालनी थी, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से 4R अपॉन 4R अपॉन रूट टू, ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू, जिसको अभी हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में इसको हमें पुट करना होगा। लेकिन इससे हम एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, अगर आपको कहीं मिल जाए ए और डी के बीच का रिलेशन, जैसे कि यहाँ पर ये आर है ये रेडियस है और डी जो हमारी इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या फिर डायमीटर या फिर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो हमारी डायमीटर में होती है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस में, अगर वो हो जाए कहीं पर तो हमें क्या करना है। तो उसके लिए भी हम इसके यहीं पर देख लेते हैं, अगर हम इसको लिखें 2 into 2R ए इज इक्वल टू 2 into 2R अपॉन रूट टू, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 × 4R और 2R इज इक्वल टू यहाँ से हमारा ये 4R है ना, डी हमारा इतना होता है R प्लस R, हमारा होता है 2R, BC होती है हमारी 4R। ये थोड़ा सा गलती हो गई थी, इसको सुधार लेना। D इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक है ना, मैंने पूरा ले लिया था, यहाँ से यहाँ तक करना D इज इक्वल टू ये R प्लस R, ये हो जाएगा 2R और यहाँ से BC इज इक्वल टू ये BC इज इक्वल टू पूरा होगा 4R, तो D इज इक्वल टू 2R, ये 2R की जगह हम रख देंगे D, 2D अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा हमारा ए में रिलेशन, ए और डी का रिलेशन ये हो जाएगा।
ये इधर थोड़ा सा गलत हो गया था, इसको सुधार लें। ये हो गया हमारा ए डी का रिलेशन, इसको लिख लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। अगर हम इसे एक ही वैल्यू को आगे और बढ़ाना चाहें और शॉर्ट करनी चाहें तो इस टू को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास ये टू है तो हम इसको लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू। ये रूट जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना, रूट टू का हो जाएगा टू, तो यहाँ पर हम इस टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू टू आर अपॉन रूट टू। ये हमने इसलिए लिखा था कि ये रूट टू और ये रूट टू चला जाए और हमारे पास बचेगा क्या, ए इज इक्वल टू की वैल्यू टू रूट टू इंटू आर, ये हो जाएगी हमारी ए की वैल्यू। फाइनली ये एक वैल्यू जिसको अब हम पैकिंग फ्रैक्शन में रखने वाले हैं। तो अब हम पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। नाउ पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट, नाउ पी इज इक्वल जेड इंटू चार बटे तीन आई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100%। तो सबसे पहले हमें जेड कैलकुलेट करना है, तो मैं आपको जेड कैलकुलेट इसमें एक मिनट करके दिखा देता हूँ, बाकी आप थर्ड वीडियो देखकर जाकर आप सीख लेना। वहाँ पर जेड इज इक्वल टू मेरा होता था यानी इंटीरियर, तो एस सी सी में इंटीरियर में कोई हमारा लैटिस पॉइंट होता है, एस सी सी में, एस सी सी में सिर्फ हमारा कॉर्नर पर होता है और फेस पर। तो सबसे पहले हमारा फार्मूला होता है यानी इंटीरियर यानी कि जीरो, और फेस पर कितने होते हैं 6, उसका कंट्रीब्यूशन होता है 2 प्लस कॉर्नर पर होते हैं 8 और उसका कंट्रीब्यूशन होता है 8। तो हमारे पास हो जाएगा ये 8 हो जाएगा 1, 2 3 6 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा z इज इक्वल टू 3 1 4। तो हमारी z की वैल्यू आ गई 4। a की वैल्यू हमारी ये रख देंगे, आगे करते हैं हम कैलकुलेशन, थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। ये 4 का 4 में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और ये 3 इसके बटे में ये नीचे आ जाएगा और ये 4 का 4 मल्टीप्लाई होगा 4 चक्के 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर क्यूब अपॉन ये 3 नीचे आ जाएगा। अब ये 2 का जब आप क्यूब करोगे, यहाँ पर कुछ नहीं, जब 2 का क्यूब करोगे यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इस रूट 2 का क्यूब करोगे यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, इस रूट 2 ये रूट 2 हो जाएगा 2 और ये बचेगा रूट 2 इंटू 2 रूट 2, हमारे पास ये बचेगा आर क्यूब। जब ये आर क्यूब इस पर आप करोगे तब, अब आगे करते हैं इसके, पी इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 पाई आर क्यूब अपॉन, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इसका, इसमें 8 दूनी 16 16 क्या है 48, ये हो जाएगा आर क्यूब। अब यहाँ पे जो कट रहा काटो, ये आर क्यूब गया, 16 इक्यान 16 16 क्या है 48। अब हमारे पास क्या बचा, पी इज इक्वल टू 1 पाई, यहाँ पर और कुछ है ना, इंटू 100 1 इंटू परसेंटेज है 100, ये आंसर आएगा हमारा परसेंटेज है। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा पाई पाई अपॉन 3 इंटू 100 इन परसेंटेज, और ये हमारा रूट 2 यहाँ से छूट रहा है, यहाँ पर रूट 2 भी होगा, ठीक है। यहाँ जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16 16 3 48 हो जाएगा, 48 यहाँ तक होगा, ये रूट 2 ये होगा, ये रूट 2 ये हो जाएगा, ये क्यूब ये हो जाएगा, और इसको आप कट करेंगे 16 इक्यावन 16 16 3 48, ये इधर बचेगा पाई आर, आर भी गया पाई, ये हो जाएगा 3 रूट 2 ये इंटू 100। और जब आप पाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है
22/7, जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आता हमारा 3.14। हम इसको यहाँ पर रखेंगे 3.14 इंटू 100 हो जाएगा 3√2 की वैल्यू होती है 1.414। इसके बाद इधर कर दूँ जब इसका आप मल्टीप्लाई इधर 100 करोगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू 314 अपॉन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4.242। जब इसको आप इसमें से इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आएगा 74%। ये हो जाएगी हमारी एफसीसी की पाई की फ्रैक्शन वैल्यू। तो बात कर लेते हैं बीसीसी की। बीसीसी जो अभी तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं वो ऐसे ऐसे कैसे, मतलब बीसीसी में हमारे पास लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ पर परसेंट होते हैं, सभी कॉर्नर पर परसेंट होगा और एक सेंटर में लैटिस पॉइंट परसेंट होगा। लेकिन अभी हमें इसमें जो पाई की फ्रैक्शन निकालने में हमें जो लैटिस पॉइंट हमें कंसिडर करना वो स्फीयर में, तो सभी लैटिस पॉइंट कॉर्नर पर होंगे और एक सेंटर में होगा। ये हमारा सेंटर वाला और एक कॉर्नर वाला, ये अब सभी इसी तरह से कॉर्नर पर इसी तरह से लैटिस पॉइंट हमारी होगी सभी कॉर्नर पर। अब यहाँ पर एक कॉर्नर बच रहा है वहाँ पर भी होगी, अब वो कैसे ड्रा होगा कुछ छोटा हो जाएगा, तो पीछे की तरफ या आगे की साइड है वो उसी में मिल जाता है। तो अभी हम इसको अगर अलग करके बनाएं जिसे हमें कैलकुलेट करना है, अभी फेस डम एफ सी सी में फेस सेंटर क्यूबिक में हमने फेस डायगोनल को कैलकुलेट किया था, अब यहाँ पर है बी सी सी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिटल में, तो हमें इसमें बॉडी सेंटर बॉडी डायगोनल को उसमें फेस डायगोनल कैलकुलेट किया था, इसमें बॉडी डायगोनल को कैलकुलेट करेंगे पहले, उसके बाद पाई की फ्रैक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉडी डायगोनल ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका बैक साइड वाला है तो फ्रंट साइड वाले का एक नीचे वाला पॉइंट लेंगे तभी इससे बॉडी डायगोनल जाएगी। बॉडी डायगोनल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए। तो यहाँ से एक हमारी ये हो जाएगी और एक हमारी एक क्यू की ये हो जाएगी और यहाँ से एक फेस डायगोनल की ये ऐसे हो जाएगी। तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ए बी सी हम ले चुके हैं, ए बी सी डी ई एफ, तो इसको नाम दे देते हैं, ये हमारी क्यू की एज है, इसका नाम है ए, सभी नाम के मतलब इसकी एज है सारी लेंथ जो बराबर है ए ए, और ये है हमारी फेस डायगोनल। हमने फेस डायगोनल इसमें ऐसे निकाला था लेकिन इसमें ऐसे है तो वो कैसे भी हो फेस डायगोनल हो बस उसकी वैल्यू क्या होती है √2a। तो ये हो जाएगी हमारी √2a, हमें ये पता है ये पता है, इसको निकालना है तो इसको निकालेंगे सबसे पहले हम। लेकिन इसमें पहले हम स्फीयर ड्रॉ कर ले, पहले स्फीयर मतलब लैटिस पॉइंट, इसको अगर हम ऐसे बाहर निकाल के बनाना चाहें ये सभी स्फीयर का सेंटर है और इसकी रेडियस सभी आर 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 सॉरी ये हमारी डिस्टेंस है ये वाली है डी और ये वाली है एफ। तो यहाँ से डी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी एफ इज इक्वल टू आर 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 फोर आर, ये हो गया हमारा। अब हम बात करें ट्रायंगल डी ई एफ, तो हमें क्या मिलेगा, ये वाली हो जाएगी हमारी कर्ण एफ डी का होल स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये वाली ई एफ मैंने बता दिया कि फार्मूला बता दिया बस उसी पे रख रहा हूँ, ये हमारी कर्ण हो जाएगी ये आधार ये लंब, तो ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर ई डी, तो एफ डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ये हमारी भी बॉडी डायगोनल है, एफ डी को हम लिख लेते हैं बॉडी डायगोनल,
बॉडी डायगोनल। तो यहाँ से एफ डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा हमारा ई एफ की वैल्यू क्या है, रूट टू ए का होल स्क्वायर, रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस ई डी की वैल्यू हमारे पास ये है क्यू की एज जो है हमारी ए स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा रूट टू का जब आप स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा टू, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा थ्री ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ डी का होल स्क्वायर स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर को जब हटाओगे एफ डी को निकालोगे ये हो जाएगा हमारा रूट में आ जाएगा ये थ्री, और ये जो हमारा ए है वो इंटू ए हो जाएगा, और एफ डी इजक्वल टू डी एफ इजक्वल टू हमारे पास है फोर आर, ये हमारी हो जाएगी बॉडी डायग्राम। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पर बॉडी डायग्राम, बॉडी और एफ डी इजक्वल टू हमारे पास है फोर आर रूट थ्री ए इजक्वल टू हमें कैलकुलेट करना है ए इजक्वल टू फोर आर अपॉन रूट थ्री हो गया हमारा ए। अगर आप डी निकालना चाहें तो यहाँ से टू इंटू टू आर करके टू डी यहाँ से निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी अभी हमें इसमें ज़रूरत नहीं है तो उसको मैं नहीं निकालूंगा, जैसे मैंने इससे मैं पहले बताया था उसी तरह से निकाल सकते हैं। इसमें डी ये हो जाएगा हमारा ए इक्वल टू फोर आर अपॉन रूट थ्री फोर आर अपॉन रूट थ्री। तो अभी हम इसको पाइनल फ्रैक्शन में निकालते हैं उसमें रखते हैं इक्वल टू क्या हमारा जेड इंटू चार बटे तीन पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब, यानी डायरेक्ट इसको रखता हूँ फोर आर अपॉन रूट थ्री का होल क्यूब इंटू हंड्रेड ये परसेंटेज में। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास पी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो कुछ इस तरह से करें, इंटीरियर में हमारा है वन प्लस फेस पर नहीं है कॉर्नर पर है हमारा एट एट का एट बाई एट करोगे ये हो जाएगा वन जेड इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा हमारा टू, ये हो जाएगा हमारा टू इंटू फोर पाई आर क्यूब। इस थ्री को मैं थ्री नीचे ले आता हूँ, ये चार बटे तीन में ये नीचे आ जाएगा नीचे आ गया, और ये इधर इंटू हंड्रेड और ये परसेंटेज में आएगा आंसर हमारा, और ये हमारे पास फोर का क्यूब यानी फोर गुड़े फोर फोर इंटू फोर इंटू फोर चार चौके सोलह चौके चौंसठ पहले इसको करते हैं रिकॉर्ड में चौंसठ ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन ये इसका भी क्यूब होगा अंडर रूट थ्री ये अंडर रूट थ्री हो जाएगा थ्री, और ये बचेगा हमारे पास अंडर रूट थ्री। तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री रूट थ्री। तो देखो ये थ्री से कैंसिल, ये चार दुनिया आठ हो जाएगा ये, और ये चौंसठ आठ थे चौंसठ यहाँ पर आठ आ जाएगा। तो इसको अगर आप अब लिखना चाहो यहाँ से ये कैंसिल हो गया पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ से आर भी कैंसिल हो जाएगा ये आर और ये आर गया यहाँ से आर पटा पाई अपॉन हमारे पास क्या बचेगा एक, और ये रूट थ्री बचा है रूट थ्री ऊपर चला जाएगा रूट थ्री ऊपर आ गया और ये अपा हमारे पास एट ये रूट थ्री ऊपर क्यों गया है ये बटा है हमारे पास ये वाला है और इसके नीचे भी एक बटा है तो इसके वाला ये ऊपर चला जाता है ये प्लट के ऊपर चला जाएगा ये हो जाएगा हमारा पाई ये हो गया रूट थ्री ये बाई एक इंटू हंड्रेड और हमारा आएगा परसेंटेज में। तो अभी हम सबकी वैल्यू रखते हैं पी इक्वल टू पाई क्या होता है मैंने अभी बताया था 3.14 इंटू 1.732 इंटू 100 हमारा परसेंटेज डिवाइडेड बाई 8। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आएगा हमारे पास 5.3 बाई 8 इंटू जब आप 100 करोगे ये हमारा परसेंटेज में आएगा जो 5.3 5.43 हमारे पास हो जाएगा 0.67
9 इंटू 100 ये आएगा परसेंटेज में, जब इसे 8 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा P इज इक्वल टू 67%, यानी कि 67.9%, जिसे नियरली हम लिख सकते हैं, हाँ लिखें ये लिख देता हूँ, नियरली 68% भी लिखते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 68%। हमारे पास एक लास्ट बचा है SCC, तो SCC का जैसे कि हम जानते हैं पहले ही ऐसे ही ड्रॉ करते रहे हैं, SCC में हमारा जो सिंपल क्यूबिंग में हमारा जो जो भी हमारा लैटिस पॉइंट होता था वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होता था। अभी हम उसको स्फीयर में देखते हैं बनाकर, फिर वो स्फीयर में कैसे होगा, इसमें स्फीयर ड्रॉ करते हैं हम, सभी कॉर्नर पर स्पीयर ड्रा कर लो जैसे होता है वैसे, और ये दोनों एक दूसरे को टच करें तो ज़्यादा आए तो ना थोड़ा मुश्किल होगा, और फिर अगर हम इसको बाहर निकाल कर अगर एक क्यूब में बन दिखाना चाहें जिसको हमें अभी कैलकुलेट करना है, उसमें इतना ज़्यादा हो जाता दिखता नहीं, इसमें सिर्फ एक को दिखाऊंगा थोड़ा सा विजुअल हो, जैसे कि इसमें आप एक एक को कंसिडर करें कुछ इस तरह से, ये कॉर्नर हमारा ये हो गया, ये कॉर्नर का होगा इस पर, तो ये वाला जो हमारा ये बाहर का पार्ट जाता है ये हमारा इसका नहीं होता, ये मैं बता चुका हूँ, ये दूसरे यूनिट सेल का होता है, ये हमारे इस सेल का नहीं होता है। यहाँ पर एक फिगर दिखेगा उसको देखेंगे आपको समझ में आएगा, देखिए ये जो हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो क्यूब की एज है ना, ये हो जाएगी ए, इसको अगर मैं निकाल बाहर बनाऊँ तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या है, ए है, और इसी को इंटर एटॉमिक डिस्टेंस भी कहते हैं। और ये हमारी ए की वैल्यू जो है ये यहाँ से आर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस, यहाँ से यहाँ तक की आर, तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू 2R। हमारा ये निकल गया जिसको हमें पैकिंग फंक्शन में निकालना पड़ता था फेज एंगल से, बॉडी एंगल से, इधर उधर से, इसमें सीधे सीधे हमारा ये आ गया, और यही हमारा इंटर एटॉमिक अगर डिस्टेंस है हमारा, यही हमारा जगह डी इक्वल टू, आप पैकिंग फंक्शन निकाल देना, एक ही यहाँ ए क्यूब यानी कि 2R रख दें डायरेक्ट, 2R का क्यूब 200 इन परसेंटेज, जेड की वैल्यू देखते दिखाते हैं, देखो फार्मूला होता है N3 यानी इंटीरियर में नहीं है 0, फेस पे नहीं है 0, कॉर्नर बाहर है इसका कंट्रीब्यूशन 1, ये हो जाएगा 1, जेड इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा पी इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 4πR³, और ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा, और इधर क्या है इसको लिख लें 100 और ये परसेंटेज, और ये हमारा जब इसको आप 2 × 2 × 2 करोगे इस तरह ने कुछ 2 × 2 × 2, और उसको क्यूब है ना, ये 2 × 4 हो जाएगा, 4 × 8 हो जाएगा, और ये 3 को हम नीचे लाए हैं, चलो अभी नीचे लाए 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा R³, ये हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ये 1 हो जाएगा 4 πR³, और ये जाएगा 3×24 R³ × 100, और ये परसेंटेज में ये R³ कैंसिल हो जाएगा, 4×1 = 4, 4×6 = 24 हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, पी इज इक्वल टू π/6 × 100 और ये परसेंटेज में
पाई की वैल्यू कितनी होती है इनटू 100। जब आप इसका इसका डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.53 0.523 इनटू 100 और ये परसेंटेज में। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये दूसरा कहीं तरह जाएगा, ये लगभग 52% आ जाएगा अपना पाइकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक के लिए। तो आज के लिए आपकी आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।